देखिए फ्रेंड्स, इस स्टॉक्स को बनाने के लिए हमने यहाँ पे 48 फंदे डाले हैं। इसको मैं 5 नंबर से लेके 6 नंबर के लिए बना रही हूँ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे मैंने मल्टी कलर बनाया हुआ है, सॉरी मल्टी कलर ऊन लिया हुआ है, जो भी हमारे पास बच जाते हैं ऊन ऐसे, देखिए छोटे छोटे टुकड़े, तो हम उसका बना रहे हैं। ठीक है, अगर आपके पास 2 कलर का ऊन है तो आप 2 कलर का भी बना सकती हैं, अदरवाइज आप ऐसे मल्टी कलर का भी बना सकती हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने 8 8 रो की ये लाइन कंप्लीट की है। तो यहाँ पे टोटल हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 लाइन यहाँ पे हमने टोटल कंप्लीट की है। आपने देखिए सबसे अच्छा इसका मेजरमेंट है फ्रेंड्स, आप जैसे इसकी जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही आपने लंबाई रखनी है। ठीक है, आप इसको ऐसे फोल्ड करके देखिए ऐसे इसको माप सकते हैं। तो ये हमारा चीज देखिए एकदम बराबर आना चाहिए, तो आपने बुनाई बंद कर देना है। ठीक है, बहुत सिंपल है। या तो आपने इंची टेप लेना है, जितनी ऐसे इसकी चौड़ाई देखिए फ्रेंड्स इतना है, तो इतनी ही इसकी हमने लंबाई भी रखनी है। देखिए इतनी इसकी चौड़ाई है, तो इतना ही इसकी हमने लंबाई भी रखनी है। अब देखिए उसके बाद हमने यहाँ पे 13 लाइन बनाई है और 8 8 सलाइयों की है, नीटिंग की है। 9 नंबर की हमने यहाँ पे सलाई यूज किया है और ऊन थोड़ी हमारी थिक है, यानी मोटी ऊन है। अगर आप 10 नंबर की सलाई बेबी वूल से बना रहे हैं तो आप यहाँ पे 52 फंदे यानी 52 फंदे डालेंगे 5 से 6 नंबर के लिए। ठीक है, 52 फंदे डाल के यहाँ पे ये 14 लाइन बनाएंगे। ये हमने 9 नंबर की सलाई यूज की है इसलिए मैं बता रही हूँ मोटी ऊन है, तब मैंने यहाँ पे 13 लाइन बनाई है और आप 14 लाइन बनाएंगे और यहाँ पे 52 फंदे डालेंगे। अब देखिए हमने फंदे को बंद करना है, तो फंदे को हम सीधे की साइड से बंद कर रहे हैं। तो फंदे देखिए बंद कैसे करेंगे, एक फंदा बुना, फिर से एक फंदा बुना। अब ये पीछे वाले फंदे को लाके हम देखिए आगे वाले फंदे के नीचे से उतार देंगे। फिर से देखिए इस फंदे को हमने बुना और इस फंदे को देखिए इसके ऊपर से लाके ऐसे हमने गिरा देना है। फंदे आपने ज्यादा टाइट नहीं उतारना है और ना ही ज्यादा लूज। ये देखिए, तो आप चाहे तो इसको सिंगल कलर में भी स्टॉक्स को बना सकते हैं, मल्टी कलर में भी बना सकते हैं, या 2 कलर में। अगर आप लोग इस सॉक्स को सिंगल कलर में बनाना चाहते हैं तो कमेंट करें, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी। और प्लीज आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं तो इससे मुझे कैसे पता चलेगा कि आप लोग को कौन सी डिजाइन अच्छी लग रही है कौन सी नहीं। ये देखिए फ्रेंड्स, तो एक एक हम ऐसे फंदे को घटाएंगे, फिर हमने एक फंदे बुना और पीछे वाले फंदे को लाके ऊपर वाले फंदे के पास से ऐसे हमने गिरा देंगे। तो ये सारे फंदे हमने ऐसे ही उतार लेना है फ्रेंड्स, सॉरी बंद कर लेना है। तो चलिए हम फंदे को ऐसे पूरा बंद करके फिर इसकी सिलाई करना हम बताएंगे आप लोग को। ये देखिए ऐसे, ये देखिए हमारे फंदे ये ऐसे थोड़ा खींचने चाहिए, ऐसा नहीं कि टाइट होगा फ्रेंड्स तो इसकी सिलाई सही नहीं आएगी। चलिए पूरा हम फंदे बंद कर लेते। देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे धागे को कट कर लिया और यहाँ पे देखिए जो लास्ट वाला फंदा होता है उस लोब को हमने खींच के और इसके अंदर से ये हमने बंद कर लिया। तो देखिए यहाँ पे हमने ये सारे फंदे को बंद करने के बाद ये कुछ ऐसे बन के आया। अब आपने क्या करना है, इसकी सिलाई करनी है फ्रेंड्स। सिलाई कैसे करना है हमने देखिए, हम देखिए एक छोर से यहाँ पे ये छोड़े थे जो स्टार्टिंग का और एक यहाँ पे है लास्ट वाला, तो इसको हम ऐसे पलट लेंगे फ्रेंड्स। ये देखिए हमारा एकदम बराबर आ रहा है पलटने के बाद ऐसे। देखिए फ्रेंड्स, ये चीज हमने सिलाई करते समय बराबर करनी है, बराबर आना चाहिए। आपने इतनी बुनाई करनी, थोड़ा सा आधा 1 इंच ऊपर नीचे हो तो उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप कोशिश करके इसको बराबर ही बुने तो इसकी फिनिशिंग अच्छी आएगी, आपको खींच के सिलना नहीं पड़ेगा फ्रेंड्स। तो चलिए हम पहले देखिए आप लोग को दिखा रहे हैं। इसको ऐसे करने के बाद फ्रेंड्स, ये जो हमने एक्स्ट्रा धागा देखिए हम बड़े बड़े कट किए हैं, इसको अभी मैं आप लोग को बताऊंगी कि कैसे करना है। तो इसको हम सुई लेके या तो आप क्रोसिया से सब पीछे यहाँ पे देखिए कर लेना, इससे हमारी फिनिशिंग सही रहेगी। तो हमने देखिए सिलाई तो उल्टी करनी है, यहां से ऐसे हम शुरू करेंगे और यहां तक आएंगे। देखिए यहाँ पे 2 लाइन छोड़ के देखिए यहां तक ये वाली लाइन छोड़ के हमने पहले, चलिए हम करके आप लोग को दिखाते हैं सिलाई। अब देखिए हम इसकी सिलाई इसको हमने ऐसे फोल्ड किया और ये देखिए ऐसे ये बराबर आ गया।
अब इसकी सिलाई हमने देखी कैसी करनी है, हमने इसको उल्टा किया। उल्टा करने के बाद फ्रेंड्स हम देखिए एक बार इधर वाली लाइन के चैन में बनाएंगे, एक बार इधर देखिए इस चैन से लिया फिर इस चैन में डाला। ये देखिए सिंपल सा, आपने देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ देखिए इस चैन में लिया फिर व्हाइट वाले, ये देखिए देखिए फिर से इस चैन में डाला। अब देखिए एक बार इस चैन ऐसे हमने ये पूरी सिलाई करते हुए देखिए यहां से ऐसे पकड़ के सिलाई कर। अब देखिए फ्रेंड्स हमने यहां से सिलाई करते हुए लास्ट यहां तक आया, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा पर देखिए एक दो तीन तीन लाइन ये बची हुई है। अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए इसको हमने ऐसे सिलाई करना है, ठीक है। ये दोनों यहां से ऐसे सिलाई करते हुए ये साइड, ठीक। देखिए फिर से देखिए ये हमारा देखिए ऐसे यहाँ से सिलते हुए आए हैं। अब ये वाली हमने सिलाई करनी है, देखिए इसको इसको हम क्या करेंगे, ये एकदम कॉर्नर का ऐसे लेके फिर देखिए इसको हमने ऐसे खींच लेना है, ठीक। ऐसे खींचने के बाद हम यहाँ पे देखिए इसको हमने ऐसे एक एक ये देखिए चैन से लेके दोनों साइड के ये हमने ऐसे इसको यहाँ से ऐसे सिलते हुए फिर इसको हम सिलेंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने इसकी ऐसे सिलाई की है, तो ये देखिए ऐसे कुछ सिल के आएगा। ये देखिए ये अंगूठे के पास रहेगा तो ये कुछ ऐसे ही सिल के आएगा, क्योंकि हमने ऐसे फोल्ड करके फिर ये ऐसे सिला है। अब देखिए क्या करना है हमने, देखिए फ्रेंड्स अब इसको हमने ये आपने कितने लाइन तक सिलना है ऊपर तक, ठीक है। तो हम देखिए यहाँ पे ये पिंक से काउंट करेंगे, एक दो तीन चार पांच छह, यानी ये रेड कलर तक हमने इसकी सिलाई करनी है, इतना हम ओपन रखेंगे, ठीक है। तो इसकी नॉर्मल सिलाई करनी है जैसे हमने इसकी की है। तो यहाँ पे हम व्हाइट कलर का ऊन लेंगे, क्योंकि ये व्हाइट कलर की हमारी पट्टी है, इधर तो कलरफुल है। तो इसको देखिए हम यहां से सिलाई करेंगे फ्रेंड्स, तो इसको आपने ऐसे पकड़ना है और यहां से इसको जैसे अभी हमने उस साइड शुरू किया था ऐसे ही दोनों चैन लेते हुए इसको एक्स्ट्रा धागा है जो इसको हम थोड़ा सा बड़ा करके कट करेंगे। इसको देखिए हमने अंदर से कट कर दिया, अब इसको हम इसी पे करके इसको अंदर धागे को कर देंगे, ठीक है। इससे हमारी फिनिशिंग सही रहेगी और धागा नहीं दिखेगा। तो यहां से देखिए हम दोनों चैन को सिलेंगे, ये देखिए ऐसे। फिर हमने यहां से व्हाइट वाला लिया और यहां से ग्रीन कलर का लिया, ध्यान से देखिएगा। फिर देखिए यहां से व्हाइट और यहां से ग्रीन वाला, ऐसे हमने इसको सिल के बनाना है। टाइट आपने नहीं सिलना है ना ज्यादा लूज सिल के, फिर आपने इसको ऐसे खींच खींच के सिलना है फ्रेंड्स। और सभी चैन में हम इसको बनाते हुए ये देखिए इसको हम इसके अंदर लूप के डाल देते हैं ताकि ये हमारा धागा ये पे एडजस्ट हो जाए। तो इसको हम यहाँ रेड तक ऐसे ही सिलते जाएंगे, इतना खाली रखेंगे, इसको हम इतना सिल लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स हमने यहाँ रेड तक सिल लिया, अब इसको हम क्या करेंगे, सीधा करेंगे फ्रेंड्स। तो इसको हम देखिए नॉर्मल आपने ऐसे सीधा कर लेना है, इसको आपने थोड़ा सा ऐसे हाथों से जैसे हमने स्टिचिंग की है देखिए यहाँ पे ऐसे ये दिख रहा है, और यहाँ पे हमने इसको ऐसे सीधा किया फ्रेंड्स। अब इसको देखिए हमने यहाँ पे दोनों पैर का सेम एक ही जैसा बनेगा, देखिए यहाँ पे भी हमने ऐसे इसको सिला है और बनाया है, और यहाँ पे देखिए दोनों सेम एक ही जैसा एक पैर का बनेगा। तो अब मैं आप लोग को इसको पहन के दिखाऊंगी कि ये कितना खूबसूरत बनने के आया है। तो देखिए फ्रेंड्स ये कितनी खूबसूरत बन के आई है, ये देखिए ये हमारा कुछ ऐसे रहेगा, और इस साइड का भी देखिए
ये बहुत ही प्यारा बन के आया है फ्रेंड्स। ये देखिए बैक साइड ऐसे रहेगा और ये देखिए साइड में हमारा ये ऐसे, आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक बो लगा सकते हैं या तो आप यहाँ पे कोई फ्लावर ऐसे करके लगा सकते हैं, बहुत ही प्यारा लगेगा फ्रेंड्स ये देखिए, या तो आप इसको सिंपल रहने दें। तो देखिए दोनों पैर का बहुत ही खूबसूरत ये बन के आया है, तो आप लोग जरूर इसको ट्राई करें। कितना ईजी है बनाना फ्रेंड्स, जरूर आप लोग बताएं कॉमेंट करके कि आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी। थैंक यू।